अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिज़नेस की दुनिया। आज हम आपके साथ अपने 1000 बर्ड्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। इस फ्लॉक स्टेनोर की पहले हम आपके साथ 3-4 दफ़ा वीडियो शेयर कर चुके हैं, जिनका लिंक आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर कार्ड में नज़र आ रहा है। आप उस कार्ड को क्लिक करके आप इस स्टेनोर की वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम अपने तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी अपना एक फ्लॉक निकाल चुके हैं, उसकी हम आपके साथ फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर करें कि हमारा कितना खर्चा आया था। फ्रेंड्स, हमने इस शेड में 1000 बर्ड्स की फार्मिंग की थी। हमें जो चूज़ा मिला था वो 62.5 यानी कि 62.5 रुपये में हमें एक चूज़ा मिला था। तो 1000 चूज़ा था तो वो टोटल जो उसकी 1000 चूज़े की वैल्यूज़ बनती थी 62,500 रुपया थी। मेडिसन के खर्चे की अगर बात की जाए तो 10,500 रुपये की टोटल हमारी मेडिसन लगी थी, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। 13,000 का हमने चावल का फूकर डाला था अपने शेड के फर्श पे, ताकि वो चूज़ा जो है वो नमी अपनी बरकरार रखे। तो बाकी इस पर जो हमारा फीडबैक का खर्चा आया था, 70 बैग लगे थे, 7200 रुपये में फी बैग हमें मिला फैक्ट्री रेट। तो 70 बैग लगे थे टोटल, जो हमारी फीड लगी थी वो 5,04,000 रुपये की टोटल फीड लगी थी। इसमें अगर आप मुलाज़म की तनख्वाह ऐड करें, 21,000 जो है वो मुलाज़म की तनख्वाह थी, क्योंकि हमारा जो ये टेन्योर था वो 43 डेज़ का था, 43 दिन का। तो एक महीने की जो तनख्वाह थी वो हम 13,000 रुपया देते हैं, तो बाकी जो है इसमें इनाम वगैरह इंक्लूड करके वो 21,000 रुपया बनती है जो मुलाजम की तनख्वाह है। ये टोटल अगर हम ये इन्वेस्टमेंट करें, जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी A to Z, वो 6,11,000 रुपये थी टोटल इन्वेस्टमेंट। हमारा जो चूज़े का एवरेज वज़न आया था, जो जिस दिन हमने कैचिंग करवाई थी, वो 1900 ग्राम था एवरेज वज़न। एवरेज वज़न में A to Z चूज़े आ जाते हैं, छोटे बड़े सब चूज़े आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी शुरू में, क्योंकि फीड में सोयाबीन की वजह से वो हम एवरेज नहीं ले पाए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमने ये रिकवर किया था। 1900 ग्राम की जो है हमारी एवरेज आ गई थी वज़न की। हमारा जो टोटल वज़न था 1000 बर्ड्स का, वो 1900 किलोग्राम था। हमने ये लोकल चिकन सेल सेंटर वालों को ही प्रेफर किया था कि मतलब उनको ही सेल किया जाए। अगर हम गाड़ी वालों को सेल करते तो वो लेस की इशू आ रहा था बहुत सारा, क्योंकि फिर हमें वो 10-20 रुपए वो लेस दे के पर केजी, तो हमें वो उठवाना पड़ना था। इसलिए हमने ये लोकल चिकन सेल सेंटर वालों से बात की, तो उन्होंने इजीली हमसे ये 1000 बर्ड्स उठा लिया था 3-4 दिनों में। तो हमें रेट भी बहुत अच्छा मिल गया था, 405 रुपये जो है हमने इन लोकल चिकन सेल सेंटर वालों को हमने सेल किया था पर केजी 405 रुपये। हमारा जो टोटल वज़न था 1900 केजी था, तो 405 रुपये के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो जो हमारी टोटल सेल हुई थी वो 7,69,500 रुपये थी जो टोटल हमारी सेल थी। हम पहले आपके साथ टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट भी शेयर कर चुके हैं, बता चुके हैं कि हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी वो 6,11,000 रुपये थी जो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी। अगर उसमें से हम अपनी सेल माइनस करें 7,69,500 रुपये में से अपनी जो टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस करें, तो जो बकाया रकम बनती है वो 1,58,500 रुपया थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रॉफिट था। इसमें हमें बहुत सी दुश्वारियाँ भी देखना पड़ी थी, क्योंकि फीड का थोड़ा सा इशू आया था। तो लेकिन हमारे जो ज़िया भाई थे, उन्होंने ये बहुत ही अपने तजर्बात, जो देसी टोटके थे उनकी बदौलत ये उन्होंने रिकवर किया था। लेकिन अब तो वो फीड में जो है सोयाबीन का इशू था वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ अगले जो फ्लॉक है, जो अगला टेन्योर है, वो कल या परसों हम वो अपने शेड में चूज़ा ला रहे हैं। चूज़ा बुकिंग हमने करवा दी है, क्योंकि चूज़े का जो रेट है वो बहुत डिक्रीज़ हुआ, तो इस वजह से हमने जो है फ़ायदा उठाते हुए कल ही हमने अपना ये चूज़ा बुक करवा दिया। उसकी रिपोर्ट भी हम आपके साथ वक्तन फ़क्तन शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।